हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग खेल रहे हैं रोब्लॉक्स के अंदर इंडियन बिस्किट्स। तो गाइज एक्चुअली इंडियन बिस्किट्स नहीं खेल रहे हैं, मोर लाइक इंडियन बिस्किट फैक्ट्री सिम्युलेटर खेल रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर बहुत सारे टाइप के बिस्किट्स बनाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो मैप भी बहुत ही ज्यादा बेमिसाल और ब्यूटीफुल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। और आज के लिए हम लोगों को बहुत ही सिंपल चीजें करनी है। सबसे पहले फैक्ट्री में आप लोग को पैसे कलेक्ट करने हैं, फिर यहाँ पर अपना जो की ड्रॉपर है उसको बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली बिस्किट्स हम लोग यार बहुत प्रकार की बनाने वाले हैं, अलग अलग फ्लेवर्स की बनाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर अपना सेकंड वाला ड्रॉपर भी लगा दिया है। अबे मैंने थर्ड वाला भी लगा दिया है दोस्त, तेरे से ज्यादा फास्ट हूँ मैं। ऑटोबाय बस देखते जाओ पैसा, मैं भी कलेक्ट कर रहा हूँ भाई, मेरा भी थर्ड वाला लग जाएगा। ऑलराइट, तो गाइस हमारे बीच में यहाँ पर लगता है कांटे की टकरार होने वाली है। और अभी से ही आप लोग देख सकते हो चॉकलेट फ्लेवर के और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के दोनों फ्लेवर के यहाँ पर जो बिस्किट्स है वो रेडी होना शुरू हो चुके हैं। और गाइस हम लोगों का जो डो मेकर है वो भी यहाँ पर आ चुका है, तो यानी कि फ्लेवरिंग भी हो चुकी है, कुकीज भी बन चुके हैं। अब भाई बस यहाँ पर अपन लोग को ज्यादा से ज्यादा मशीनें सेटअप करनी है और इस फैक्ट्री का जो साइज है गाइस उसको जो है बड़ा करना है। तो यहाँ पर गाइस अब तो वेट करना पड़ेगा ना, पैसे तो है नहीं दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। तो काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलता हूँ जब हम लोगों के पास थोड़ा खासा अच्छा खासा पैसा हो गया होगा। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग के पास यहाँ पर अच्छे खासे पैसे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1000 डॉलर्स। और अब हम लोग यहाँ पर गोल्ड के ड्रॉपर को भी अनलॉक कर पा रहे हैं। और भाई अब दोबारा से यार वेट गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे जो है भाई बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर जो कुकीज है वो बहुत आसानी से मिल रही है। चलो मिलता हूँ गाइस मैं आपसे थोड़ी देर बाद, और क्योंकि यार थोड़ा और पैसा कमाना पड़ेगा अभी। ये बस एक छोटा सा अपडेट था। ऑलराइट गाइस, कैसे आप लोग? ये देखो भाई कितने पैसे हो चुके हैं। चलो भाई इन पैसों को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर नया नया डायमंड का ड्रॉपर लगाने में। और भाई डायमंड का ड्रॉपर अपन लोग ने यहाँ पर दो दो लगा दिए हैं। और अब टाइम है यहाँ पर एक और कन्वेयर बेल्ट एक्सटेंडर लगाने का। यार यहाँ पे थोड़ी सी चीजें खरीदता नहीं हूँ, मेरे पैसे यार तुरंत गायब हो जाते हैं। भाई मेरे को भी यही देखने को मिलता है भाई। लेकिन गाइस अभी हमारे पास थोड़े से जो एकदम थोड़ू मोड़ू से पैसे बचे थे उनको भी मैंने इस्तेमाल करके यहाँ पर एक और चॉकलेट ड्रॉपर लगा लिया है। और गाइस ये ड्रॉपर देख रहे हो भाई कितनी तेजी से सब कुछ बन रहा है, एकदम चॉकलेट ब्लॉक छापे जा रहा है भाई, छापे जा रहा है। गाइस आई थिंक हमारे कस्टमर जो है इन कुकीज को खा करके बहुत ही ज्यादा मजा लेने वाले, और हो सकता है हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रेटिंग भी दे, जिससे हमारी फैक्ट्री का जो ओवरऑल रेपुटेशन है मार्केट में वो भी स्काई रॉकेट कर जाएगा। ऑलराइट तो गाइस ये देखिए हम लोग आ चुके हैं दोबारा से आपके पास। और अभी एक्चुअली में मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, लेकिन मेरे को ना यार यहाँ पर एक नई चीज अनलॉक करनी है, तो मैं उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। और आप लोग देख सकते हो भाई पेशेंस मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बार बार आगे पीछे जा रहा हूँ मैं, ताकि यार हम लोग को यहाँ पे एक एक पेनी मिल जाए। फाइनली अपन लोग के पास इतना हो चुका है कि हम लोग यहाँ पर इसको खरीद सके, और ये है गाइस एक्सटेंडर। ठीक है, अपन लोग अब फाइनली एक लंबा चौड़ा कन्वेयर बेल्ट ओन करते हैं, और इस बेल्ट से यार अपन लोग अच्छे खासे कुकीज बनाएंगे, जिनको यार हम लोग मार्केट में सप्लाई करेंगे। और जितने ज्यादा कुकीज होंगे गाइस उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला हम लोगों का। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, और तो और मैंने यहाँ पे विंडोज भी खरीद लिए हैं, वॉल्स भी खरीद लिए हैं, और बस एक डोर बाकी है जिसको यार अभी मैं खरीदना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इस लॉबी में ज्यादा बंदे नहीं है, तो हम लोगों को परेशान करने वैसे भी चॉप नहीं आने वाला है। छोटू भाई समझते क्या हो भाई आप मेरे को, मैं दूसरों के घरों में क्यों घुसूंगा भाई, मेरे पास अपना खुद का एकदम लाजवाब फैक्ट्री है भाई। हाँ ठीक है भाई ठीक है, तू यार दो मिनट में ऑफेंड मार जाता है। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी 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 और थोड़े पैसे चाहिए। एक काम करता हूँ मैं इन पैसों को करता हूँ यहाँ पर कलेक्ट, और उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ऑलराइट तो गाइस ये देखो 10,000 डॉलर्स मिल चुके हैं यहाँ पर। और भाई अभी हम लोगों ने अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया है, मतलब यार काफी सारे ड्रॉपर्स लगा दिए हैं। ये मिंट वाला ड्रॉपर भी हम लोगों ने अभी अभी अनलॉक किया है। सच बोलू तो भाई बहुत पैसे लग रहे हैं यार, एक एक ड्रॉपर लगाने में पूरी जेब ढीली हो जा रही है, लेकिन गाइस मजा तो आएगा चाहे कुछ भी बोलो। ओ ये देखो भाई यहाँ पर स्टेयर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। और गाइस गेस व्हाट, हम लोगों ने भाई अपना फाइनली ओनर डोर खरीद लिया है दोस्तों। ओनर डोर यानी कि लेजर्स वगैरह भी लग चुके हैं, अब सिक्योरिटी भी एकदम फुल टाइट हो चुकी है। सेकंड फ्लोर का गाइस जो फाउंडेशन है मैंने वो भी खरीद लिया है, लाइट्स भी खरीद लिया है। और ये देखो ये है वो बाइक यार जो कि अब लोगों को मिली है, तो फटाफट से चलते इस बाइक को यूज करते हैं बाहर में। और ये देखो भाई चल रहे अपन लोग, एक्चुअली सही में चल ही रहे हैं भाई, ये क्या स्कैम बाजी है भाई, इतने पैसे यार बर्बाद हो गए मेरे, चौप तू देख रहा है। छोटू भाई ये हवर बोट तो भाई यूजलेस है भाई, इसको तो इस्तेमाल भी मत करना। अबे हाँ यार ये तो किसी काम का नहीं है। गाइस मेरे को लगा ना कि अपन लोग इस हवर बोट का इस्तेमाल करके यहाँ पर हवा में उड़ पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, एकदम यूजलेस बनाया है। और जो आप अंदर आने देना भाई, एक बार देखना है तेरा फैक्ट्री। छोटू भाई मैं अंदर नहीं आने दूंगा भाई आपको, प्लीज भाई आने देना भाई, तेरा इतना अच्छा दिखाई दे रहा है बाहर से, एक बार अंदर आने दे। देख 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 मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है तेरे लिए, अगर तू अंदर आने देगा तो मैं तेरे को अपने फैक्ट्री में से 5% का ओनरशिप दूंगा। छोटू भाई अगर ऐसी बात है भाई तब तो आपके
लिए गेट खोलना पड़ेगा भाई, जल्दी जल्दी लेजर से हट जाओ भाई, ये लो अंदर आ जाओ। अरे चोमू तूने तो ये पूछा ही नहीं कि भाई किस चीज की ओनरशिप। मैं तेरे को अपने डस्टबिन की 5% की ओनरशिप देना चाहूंगा। छोटी भाई कोई बात नहीं, देख रहा हूँ कितना सारा कुकी छाप रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को आपके पैसों की जरूरत भी नहीं है। चल चल भाई, वैसे सही में गाइस कुकीज तो बहुत सारे थे उसके पास। ओह माय गॉड, इतने सारे कुकीज मेरे क्यों नहीं निकल रहे? छोटी भाई क्योंकि आप इस गेम को खेलते ही नहीं हो भाई, इसलिए आप इधर उधर चले जाते हो। अरे दोस्त ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है गाइस कि पैसों के लिए बोर हो करके मैं भाई कहीं उठ करके चला जाता हूँ और उसके वजह से यार मैं अपने पैसे स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। आपको क्या लग रहा है ये $10,000 आ कहाँ से रहे भाई? मैं इस गेम को ऑटो माइनिंग पर लगा करके भाई चला जाता हूँ, अभी खाना खा के जस्ट आया हूँ तो मैंने देखा हमारे अच्छे खासे पैसे हो गए, सोचा आप लोगों को एक क्विक एंड फास्ट अपडेट दे दूं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जितने पैसे मैंने कमाए थे वो सारे अब खर्चा हो चुके हैं हवाबाजी में। ओ ये देखो भाई डेकोरेशंस, ओ ये हुई ना बात, मतलब अब पूरा एकदम क्रिसमस वाला माहौल बना दिया है यार इन लोगों ने। और भाई न्यू ईयर भी आने वाला है भाई, क्या सोचा है आपने न्यू ईयर में क्या करोगे भाई? देखो दोस्त कुछ खास तो प्लान है नहीं मेरा, सच बोलूंगा गाइस आप लोगों से, मेरा बस दिन भर बैठ करके गेम खेलने का मन है गाइस, क्योंकि अपन लोग वही सबसे ज्यादा बढ़िया करते हैं। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कितना फालतू है ये आदमी, दिन भर बैठ के बस गेम्स खेलता है। लेकिन क्या करूं गाइस, लोगों को हमेशा वही करना चाहिए जिसमें उनको खुशी मिले। गाइस जब भी करो भाई अपने दिल की करो, और बस मतलब पढ़ाई लिखाई भी करना जरूरी है, लेकिन अभी तो यार छुट्टियां चल रही है तो एंजॉय करो भाई, और क्या गेम्स वगैरह खेलो, दोस्तों के साथ घूमो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और भाई इनको एंजॉय करो, क्योंकि गाइस इस दुनिया में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई आपका समय होता है। एक बार समय चला गया तो फिर रिग्रेट पे रिग्रेट करते रह जाओगे, लेकिन पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो आप दिन भर गेम खेल के टाइम पर बात कर रहे हो भाई? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो भाई अभी मैं बहुत छोटा हूँ, ये रूल थोड़ा आगे चल के अप्लाई होता है, ठीक है? छोटे भाई आप तो बहुत बूढ़े हो गए भाई। अबे चुप कर भाई। गाइस एक काम करते हैं, अभी के लिए चॉप मेरे को एक्सपोज करने पे तुला हुआ है, तो अपन लोग आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और एक्चुअली यहाँ पे एक ड्रॉपर भी अनलॉक कर लेता हूँ मैं। ऑलराइट नाउ इट्स टाइम टू सी यू आफ्टर सम टाइम। यो ये देखो गाइस हम लोगों का सेकंड फ्लोर भी यहाँ पर बन चुका है, और अब टाइम है आप लोगों को इस सेकंड फ्लोर का एक यू नो अपन लोग को एक्चुअली ऊपर जाना भी है, तो थोड़े से पैसे और मेरे को चाहिए और मैं इन पैसों को लेकर के सीधा जाने वाला हूँ सेकंड फ्लोर, और वहां पर हम लोग खरीदेंगे अपना फर्स्ट ड्रॉपर गाइस, और इस ड्रॉपर से भाई बहुत फायदा होगा अपन लोग को। वैसे चॉप के बाय द वे ऑलरेडी दो ड्रॉपर्स आई गेस फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, जिस पे भी है अपन लोग उसको पीछे करेंगे गाइस, और अभी टाइम है इसको खरीदने का। यस पहला ड्रॉपर लग गया है। अबे भाई सही में इसके दो दो है। फर्स्ट भाई बोला था ना आप मेरे तो बहुत पीछे चल रहे हो यार, जल्दी जल्दी कैच अप करो भाई। अरे करूंगा मेरे दोस्त, टेंशन क्यों ले रहा है। गाइस क्विक अपडेट टाइम, तो गाइस हम लोगों ने यहां पे सेकंड फ्लोर पे काफी सारी चीजें लगा दी है, और अब टाइम है आप लोगों को दिखाने का कि एक्चुअली मैंने लगाया क्या है। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर, और ये देखो हम लोगों ने तीन तीन ड्रॉपर्स लगा दिए भाई, और अब टाइम है एक्चुअली चार चार लगा दिए भाई, जो चौथा तो छुप गया था। गाइस ये चौथा वाला जो है ना ये पूरा अपग्रेडर है, और ये क्या, और अब भाई पूरा ये लोग तो यार नीचे ब्लॉक्स गिरा रहे। अरे भाई साहब स्कैम हो गया भाई, सारे मेरे यार कुकीज बर्बाद हो गए गाइस, ये लोग तो भाई फुल स्कैम बाजी कर रहे हैं। फर्स्ट भाई आपको अभी नोटिस हुआ, देखो भाई बेल्ट के ऊपर बहुत सारे कुकीज अटक रहे हैं भाई। अरे हाँ ये देखो भाई इतने सारे बना रहे अपन लोग कि यहाँ पर सारे के सारे कुकीज अटकने लग गए, और तो और ऊपर से भी जो कुकीज गिर रहे गाइस उनको भी यहाँ पर लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। भाई ऐसा चलता रहा तो हमारे दुकान का बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा, जॉब कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट भाई कुछ भी नहीं कर सकते भाई, हर जगह पे ये नुकसान देखने को मिल रहा है, मैं क्या बताऊं भाई आपको। अरे यार ऐसा मत बोल भाई, मेरा पूरा का पूरा सर फट जाएगा अगर इतना ज्यादा लॉस होगा तो। फिर कैसे, देखो भाई ऊपर में भी कैसे सारे अटक गए यार, मेरे से रुका नहीं जा रहा गाइस, उसको ठीक करके ही आना पड़ेगा। चलो देखते कुछ उपाय लगा सकते क्या अपन लोग। सारे कुकीज जाम कैसे हो रहे, मैंने तो यार अच्छे से ऑयलिंग की थी, और ये लोग तो फुल स्कैम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में गाइस पूरा ब्लॉक जमीन पे गिरा रहे हैं ये लोग। हाँ भाई क्या दिक्कत है यहाँ पे, देखो मैं जरा, अच्छे से जा नहीं रहे अंदर, इनको धक्का मारो भाई अंदर। तो भाई आप ही गिर गए अंदर, वाह भाई बहुत बढ़िया, अपने इलाज खोजने गए थे खुद ही इलाज बन के वापस आ गए। अरे क्या बोलूं भाई, छोड़ो हटाओ यार, अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है गाइस, तलवार लो और शांति से कोने में खड़े रहो। ऑलराइट तो गाइस हम लोग चल रहे हैं अभी शॉप के यहाँ पर फैक्ट्री में, और फाइनल टूर में आपको उसी की फैक्ट्री का देने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो भाई क्या मस्त फैक्ट्री बनाई है तूने चॉप, मजा आ गया भाई। अब तू कहाँ रह गया? फर्स्ट भाई आ रहा भाई, एक सेकंड, अरे गेट तो लॉक करने दो भाई। अरे जल्दी लॉक करना भाई, कोई अंदर घुस जाएगा। ऑलराइट लेट्स गो। तो गाइस ये देखो चॉप ने क्या डैशिंग फैक्ट्री बनाई है, एक्चुअली इस बंदे ने भी बहुत मेहनत की, तो ये बोल रहा था कि मेरी फैक्ट्री भी कभी दिखाओ ऑडियंस को। तो गाइस आज हम लोग चॉप की फैक्ट्री का टूर देने वाले हैं। तो ये देखो भाई इसी फैक्ट्री में मैं बार बार आकर के बोलता हूँ भाई ये हैकर है, इतने सारे यहाँ पर इसके कुकीज बन रहे हैं ना, क्या ही बोलू भाई, बारिश हो रही है एकदम आसमान के ऊपर से। चलो कोई बात नहीं अपन लोग चलते हैं आगे। अरे अरे अटक गया भाई, अटक गया। ऑलराइट फाइनली निकल
निकल गया भाई। तो गाइस पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बढ़िया से यहाँ पे कुकी मेकिंग प्रोसेस चल रहा है। डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड, हर टाइप के यहाँ पर इसने अपग्रेडर्स लगा करके रखे हैं और हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इसके सारे के सारे कुकीज को जैम कर देने का। तो भाई देखो भाई ऐसा मत करो मेरे साथ भाई, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, दूसरों का यार नुकसान करवा दोगे। आपको टूर देने बोला मैंने, आपने तो यार मेरे फैक्ट्री का यार ऐसे कैसे कर दी भाई। अरे नहीं करूंगा यार। ये देखो गाइस इसने सेकंड फ्लोर पे भी ना हर एक ड्रॉपर लगा दिया यहाँ पर। ओहो हो पैसों की बारिश। अरे वाह भाई डायमंड वायमंड का भी लगा दिया है। ये देखो स्ट्रॉबेरी वाला भी लगा दिया है, ट्रिपल मिंट ड्रॉपर्स। ओ भाई मतलब सेकंड फ्लोर की लाइटिंग, डेकोरेशन सब कुछ यहाँ पर इस बंदे ने कर दिया है। मानना पड़ेगा भाई चौप तू यार थर्ड फ्लोर भी अनलॉक करके बैठा है। और ये गाइस फाइनल फ्लोर है, यहाँ पर एक्चुअली यार ज्यादा कुछ नहीं है वेपन्स के अलावा, तो इसीलिए अपन लोग ना इसको अनलॉक नहीं कर रहे गाइस क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट है और वेपन यार आधे से ज्यादा तो काम भी नहीं करते इस गेम में। तो आई होप आप लोगों को जो ये टूर है गाइस बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा होगा, और अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।